पीपल मैनेजर होने में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या कौन से दो तीन मेजर ट्रेट्स हैं जो आपको अच्छा पीपल मैनेजर बनाते हैं? क्योंकि काम तो आप पहले भी कर रहे थे, काम अभी भी कर रहे होते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन यू बिकम अ पीपल मैनेजर? अब पीपल मैनेजर में जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि अभी आपने खुद रिज़ल्ट नहीं लेके आने, अपने लोगों से रिज़ल्ट लेके आने, अपने लोगों के थ्रू आपने रिज़ल्ट डिलीवर करना है ना। आप इंडिविजुअल परफॉर्मर नहीं है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं रहते। अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4-6 लोगों की, 8-10 लोगों की, उनसे लेके आना है। वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि वो लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। एक एक ट्रेनिंग पहले होती भी थी, शायद आपने भी सुना हो, लीडरशिप बाय इंटेंट। तो आपकी इंटेंट क्या है, लोग आपके पर्सनैलिटी पे, आपके वे ऑफ वर्किंग पे, आपके एक्शंस पे कितना बिलीव करते हैं, वो अगर आप क्रिएट कर लें, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इनफैक्ट। वो आपको ऐसे नहीं होता, लोग आपको ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना शुरू कर देते। अगर आप ट्रस्ट वाली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आप सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है उसके लिए, आपको स्टेप फॉरवर्ड भी करना पड़ता है कुछ जगहों पे जाके अपने एसोसिएट के लिए, ज़रा चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। तो वो अगर आप नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट अगर क्रिएट नहीं कर सकते ना। हाँ, एक दफ़ा हो जाए, ये मैं टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रहा, वो एक लंबा टॉपिक चला जाएगा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि आप टीम को कैसे विन करते हैं। अगर एक दफ़ा आपने टीम का ट्रस्ट विन कर लिया, विच वुड टेक अ टाइम, लेकिन जब हो गया तो फिर समझिए कि फिर स्मूथ सेलिंग है, उसके आगे तो कुछ नहीं है।